नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आज हम आपके लिए बना रहे हैं, ये आप देखिए, हमने आपके लिए बनाई है स्वांजने के फूलों की सब्जी। ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। ये बहुत ही हेल्दी सब्जी है, इसको आप ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं। चलिए हम आपको बताते हैं ये हमने कैसे बनाई है आपके लिए। यहाँ आप देख सकते हैं, हमने स्वांजने के फूल लिए हैं, ये आप देखिए, इसकी हम सब्जी बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी इसकी सब्जी बनती है और इसको बनाने का तरीका बहुत ही अलग है। मतलब हर किसी को नहीं आते ये फूल की सब्जी बनानी, वो हम आपको सिखा रहे हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने इन फूलों को बॉयल करना है, वो हम करते हैं। फूलों को बॉयल करने के लिए यहाँ पे हमने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। इस गर्म पानी में सबसे पहले हमने नमक डालना है। नमक आपने काफ़ी ज़्यादा डालना है क्योंकि फूलों में बहुत ही कड़वापन होता है, उसको निकालने के लिए नमक डालते हैं। नमक के पानी में ये बॉयल होते हैं। ये हमने नमक डाल दिया है, अब जो फूल थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। एक बार मिक्स कर देते हैं। 5 मिनट तक हमने इनको बॉयल करना है। जैसे ही ये बॉयल हो जाएंगे, इसका पानी हम ड्रेन करेंगे, फिर इसको साफ पानी से हमने धोना है। फिर धोने के बाद इसको फिर ऐसे ही बॉयल करेंगे जैसे हम अभी कर रहे हैं, नमक डाल के वैसे दोबारा फिर बॉयल करेंगे। फिर 5 मिनट हमने बॉयल करना है, फिर इसका पानी ड्रेन करना है, साफ पानी से इसको धोना है, फिर एक बार फिर हमने बॉयल करना है। मतलब 3 बार आपने टोटल बॉयल करना है। 3 बार बॉयल करने के बाद आप देखेंगे फूलों का कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर ये सब्जी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे फूल। फिर हम फूलों की सब्जी बनाएंगे। ये फूल बॉयल होकर एकदम तैयार हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए। इसको आप खा के भी चेक कर सकते हैं, कड़वापन इसका पूरी तरह निकल चुका है। अब हम आगे सब्जी बनाना शुरू करते हैं। आगे फूलों की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल में ये फूल बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मस्टर्ड ऑयल को हमने पहले जला लिया था, फिर हमने ठंडा किया, अब दोबारा हमने फ्लेम ऑन किया। अब हम आगे बनाना शुरू करते हैं फूल। इस गर्म ऑयल में हम अनियन डालेंगे, इसको हमने चॉप किया हुआ है, ये हम डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। अनियन को हम 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक इनका थोड़ा कलर ना चेंज हो जाए। ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं प्याज को भी कुक होते हुए। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें हरा लहसुन डालेंगे, ये हम डाल देते हैं। अगर आपके पास हरा लहसुन ना हो तो आप दूसरा लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल होता है। और साथ ही हम ग्रीन चिली डालेंगे। ग्रीन चिली डालने के बाद साथ ही इसमें थोड़ा सा जीरा मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है लहसुन की। ये जो हम फूलों की सब्जी बना रहे हैं ये बहुत टेस्टी बनती है और जिनको जॉइंट पेन होता है उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इसको आप ज़रूर बनाएं। और ये फूल सर्दियों में ही आते हैं, इनको भी हम 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं लहसुन को भी कुक होते हुए। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, ये भी हमने चॉप किए हुए हैं, ये डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर डाल देते हैं, रेड चिली पाउडर डालेंगे, ये आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं रेड चिली। और साथ ही इसमें हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही थोड़ी सी हींग मिलाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मिक्स कर देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। ये मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें हम नमक मिलाएंगे। नमक हम इसलिए थोड़ा सा डाल रहे हैं ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। मिक्स कर देते हैं।
फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, 3 से 4 मिनट लगेंगे टमाटर को कुक होने में। ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं टमाटर को भी कुक होते हुए, आप देख सकते हैं टमाटर भी सारे गल गए हैं, अच्छे से कुक हो गए हैं। इस टाइम पे हम फूल डालेंगे इसके अंदर जो हमने बॉईल किए थे, ये आप देख सकते हैं, ये हम डाल देते हैं। मंडी में जाते होंगे फूल देखते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को बनाने नहीं आते ये फूल कैसे बनती है इसकी सब्जी। अब आप जब भी देखें फूलों को ले और ऐसे बनाएं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये फूल। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे कवर करके। ये 5 मिनट हो गए हैं कवर करके फूलों को कुक करते हुए, अब हम इन्हें खोल के चेक करते हैं। खोलते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ गया है। मिक्स कर देते हैं, इस टाइम पे हम इसमें दही मिलाएंगे। अच्छे से हमने इसको फेंट लिया दही को, ये हम डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनती है फूलों की। इसको आप चपाती के संग खाएं या परौंठी के संग खाएं, ये आपको बहुत टेस्टी लगेगी। बस 2 मिनट हमने इसको ऐसे ही कुक करना है, और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे इसको। ये 2 मिनट हो गए हैं दही डाल के भी कुक करते हुए, अब हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था, आपने ध्यान देना ज़्यादा ना हो जाए। मिक्स कर देते हैं एक बार। ये मिक्स करने के बाद इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फूलों में। एक बार मिक्स कर देते हैं और फ्लेम हम ऑफ करेंगे। ये फूलों की सब्जी बनके एकदम तैयार हो गई है, बस हमने इसको कवर करना है 2 मिनट के लिए। दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोलते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये सब्जी बनके एकदम तैयार हो गई है फूलों की। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये आप देखिए स्वांजने के फूलों की सब्जी बनके एकदम तैयार हो गई है। ये देखने में इतनी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। इस बार अगर आप सब्जियां लेने जाएं मार्केट में, फूल आप देखें तो आप ज़रूर लें, इसको बनाएं और सबको खिलाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।